इंदौर में 5.5 महीने बाद शहर को लॉकडाउन से पूरी तरह छूट मिली है। रविवार को जहां सभी बाजार खुल गए थे, वहीं बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कोरोना की त्रासदी को भी भुला दिया, लेकिन इंदौर के सराफा में भगवती मार्केट के समझदार दुकानदारों ने अपने बाजार को स्वेच्छा से लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। कई दिनों बाद रविवार को खुले बाजार में इंदौर शहर के लोग कोरोना की त्रासदी को भूलकर खाने पीने और घूमने के लिए निकल पड़े। देखते ही देखते लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लगा ही नहीं कि ये वही इंदौर है जहां के लोग समझदार कहलाते हैं। 4 बार इन्होंने स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है इंदौर को और कोरोना से भी जीतने की बात करते रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही रविवार को बाजारों में देखने को मिली, इसको लेकर इंदौर कलेक्टर को ये तक कहना पड़ा कि अगर ऐसे हालात बने तो निसंदेह शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाएगा और शहर फिर से लॉकडाउन करना पड़ सकता है। लेकिन इंदौर में समझदार लोगों की भी कमी नहीं है। इससे सबक लेते हुए इंदौर के सराफा में भगवती मार्केट के व्यापारियों ने स्वेच्छा से लॉकडाउन करने की घोषणा की है। इसी बीच हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं निर्मल वर्मा, जो कि व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य हैं और भगवती मार्केट के व्यापारी भी हैं। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि सराफा में भगवती मार्केट के व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद करने का फैसला लिया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन के समय में तो आप लोग प्रतिष्ठान खुलवाने के लिए जगह जगह ज्ञापन दे रहे थे, आपकी मांगे थी कि प्रतिष्ठान खोले जाए, लेकिन अभी अचानक से फिर ये फैसला लेने के क्या मतलब, इसमें क्या समझ सकते हैं हम? इसके अंदर 2 चीजें है कि एक तो व्यापारी समय बहुत असंतुष्ट था, असंतुष्ट था, और उसमें उसको आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं 3 महीने 4 महीने तक जो लॉकडाउन रहा था उसके अंदर सब चीजों में परेशानियां बढ़ती जा रही थी और उनको ये लग रहा था कि जो दूसरे बाजार खुल रहे हैं उस हिसाब से ये बाजार भी धीरे धीरे खुलना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने वो डिमांड की थी। परंतु अब जो कोरोना बढ़ा है उसके हिसाब से ये हुआ है कि जब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई चीज दिख रही है, उसमें डर पैदा हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए व्यापारी सतर्क होकर अपना व्यापार करना चाह रहा है। और अभी जो व्यापारियों ने जिन्होंने अभी बंद करने का आह्वान किया है वो पूरे इंदौर का है, पूरे सराफे बाजार का नहीं है, वो सराफे बाजार के अंदर एक कॉम्प्लेक्स तो है जिन्होंने खुद ने ही स्वयं ने उन सब चीजों के लिए निर्णय लिया है कि हमें कोरोना से बचने के लिए हमें जो है हमारा मार्केट कुछ समय के लिए बंद करना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बंद करा है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आपका जो भगवती मार्केट जो कॉम्प्लेक्स है सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा या सराफा भी? देखिए क्या होता है कि ये उन उस कॉम्प्लेक्स के लोगों ने, उस कॉम्प्लेक्स के जो व्यापारी है उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया है। ये सराफा एसोसिएशन की तरफ से या भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। व्यापारी स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं अगर निर्णय लेता है तो वो सब निर्णय स्वयं का होता है। जैसा कि इंदौर कलेक्टर ने कहा है कि अभी कोरोना के बढ़ते हुए मामले, जैसा कि हर दिन देख रहे हैं कि 200 से प्लस ही मामले आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए इंदौरवासी सतर्क हो जाए क्योंकि आगे सख्ती बढ़ती जा सकती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बीमारी कोरोना है ये एक अग्रसर बीमारी है और व्यापारिक क्षेत्र के अंदर इन सब चीजों की सुरक्षा और इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्यापारी को भी और उनके पास आने वाले कस्टमर को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन व्यक्ति किस प्रकार से बीमार है, किस प्रकार के उसको संक्रमण है, सर्दी है, खांसी है, ये नॉर्मल चीज दिखती जरूर है, परंतु ये चीजें जो है समस्या व्यापारियों में और ग्राहकों में कस्टमरों में बढ़ाती है, तो हमें व्यापार करने के लिए जो सुरक्षा का ध्यान रखना है वो व्यापार करने में जरूर रखना ही पड़ेगा आपको और इस बीमारी से बचना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, आपके आपकी तरफ से जो ये प्रतिष्ठान बंद करने की निर्णय लिया गया ये सिर्फ 4-5 दिनों के लिए है या फिर इसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि ये जो निर्णय हुआ है ये तो पर्सनल कॉम्प्लेक्स का हुआ है, इसमें ना तो कोई एसोसिएशन इन्वॉल्व है और ना ही इसके अंदर कोई व्यापारी प्रकोष्ठ इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर जो भी निर्णय लिया है उन्होंने स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से लिया है और अगर ये निर्णय लिया है तो एक अच्छा निर्णय है कि व्यापारियों को समय समय पे जो है इस प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लेके अपने आप को सेफ रखना भी चाहिए और इससे वो खुद भी सेफ होगा, अपने परिवार को भी सेफ रखेगा और उसके कस्टमरों को भी सेफ रखेगा वो। क्या कहना चाहता हूँ, सभी व्यापारी अपना व्यापार करते टाइम ध्यान जरूर रखें और सुरक्षित रहें। जी,
जी आपके आपके जो ग्राहक आपके जो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे सभी सभी व्यापारियों को, बंधुओं को और जितने भी इंदौर के अंदर जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, मैं उन्हीं सभी व्यापारियों को एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप लोग सभी सुरक्षित रहें और जितनी भी सरकारी नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन स्वयं भी करें और अपने कस्टमरों को भी कराएं। और उसके बाद जो सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइजर हैंड वॉश वगैरह और जो उनसे भी जो चीजें ली जाती है दी जाती है उनको भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर करते हुए अपनी और अपने व्यापारियों की और ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए काम करें आगे और सरकारी नियमों का जरूर से जरूर पालन करें। जी निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ओंकारेश्वर में स्थित वृद्धा आश्रम का जिला सत्र न्यायाधीश